हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक पैन में घी डाल लेंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, हम इसमें बेसन डाल लेंगे। मैंने यहाँ दरदरा बेसन यूज किया है, उसे लड्डू का टेक्सचर और लड्डू का टेस्ट काफी अच्छा आता है। बेसन को अच्छे से मिलाइए और इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। हमें बेसन को अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है, तो इसे लगातार चलाते रहे और ध्यान रहे कि मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है। इसे भुनने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे। यहाँ लगभग 20 मिनट हो गए हैं, घी अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट और कुक करेंगे। इसे कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहें। बेसन ढंग से भुन चुके हैं, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने से इसमें झाग आएगा और हमारे लड्डू का मिश्रण काफी दानेदार बनेगा। इसे ढंग से मिला लें। पानी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट और कुक करेंगे। यहाँ काफी अच्छा कलर और काफी अच्छा टेक्सचर आ गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। मैंने इसे दूसरे एक बॉल में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये अभी ठंडा हो गया है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, कटे हुए पिस्ता और काजू डाल लें और इसे भी ढंग से मिला लें। इलायची पाउडर हमेशा फ्रेशली ग्राइंड किया हुआ यूज करें, उससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा टेक्सचर आया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी हमेशा छान कर ही यूज करें। अगर हम गर्म मिश्रण में पिसी हुई चीनी डालें तो ये पिघल जाएगा, तो ठंडा होने के बाद ही डालें। चीनी की जगह आप बूरा का भी यूज कर सकते हैं। इसे ढंग से मिक्स कर लें। अब हम बाकी बचा हुआ चीनी डालेंगे। हाथों से चीनी और मिश्रण को ढंग से मिक्स कर लें। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अपने हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लीजिए और अपने पसंद अनुसार छोटे या बड़े साइज का लड्डू बनाएं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे सारे लड्डू यहाँ तैयार है। अब हम पिस्ता या काजू से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगे। इसे हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अब हम 4 से 5 घंटों के लिए इस लड्डू को इसी प्लेट में छोड़ देंगे ताकि मॉइस्चर सारा निकल जाए, और फिर आप इन लड्डुओं को 2 से 3 महीने के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।